तो दोस्तों, मैं हूं राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल ARV ब्रदर्स। तो ये जो आप स्प्लेंडर सामने स्क्रीन में देख रहे हो, ये है एक बंद गाड़ी। एक मार्च में लॉकडाउन से पहले एक कस्टमर ने गाड़ी खड़ी कर दी थी, बंद हो गई थी गाड़ी रास्ते में, और जिस वजह से गाड़ी का काम नहीं हो पाया। और अब ये मेरे पास आई है तो मैं इसको चेक करूंगा, इसमें हुआ क्या है, आखिर ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और जब हम किक मार रहे हैं तो किक मारने पर एक अजीब ही आवाज़ आ रही है। मैं आपको वो आवाज़ सुनाता हूँ और वो आवाज़ एकदम विचित्र है। आप मुझे बताना कमेंट करके, आखिर वो आवाज़ है किस चीज़ की। जितने भी मैकेनिक भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको आवाज़ सुन के पता लग ही गया होगा आखिर ये आवाज़ है किस चीज़ की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इंजन को उतार देंगे। इंजन उतारने के बाद खोल के देखते हैं आखिर इसमें हुआ क्या है, क्योंकि कस्टमर का ये कहना है कि भाई मुझे इसका इंजन एकदम मस्त नया कराना है, मुझे पैसे की टेंशन नहीं है, बस इसका इंजन एकदम मस्त हो जाए। तो भाई इसके लिए हमें इसकी क्रैंक और पिस्टन चेक करना पड़ेगा, और आवाज़ जो है वो मैं बताऊंगा आपको सबसे एंड में। बट आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना अपनी एक राय। फटाफट इसके इंजन को उतारते हैं। इंजन हमने उतार लिया है, फटाफट से इसके हम जो पार्ट हैं उसको डिसअसेंबलिंग कर देते हैं, और उसके बाद आपको एक एक पार्ट की जानकारी देते हैं आखिर इसमें क्या ख़राब है, क्या चेंज कर रहे हैं और क्या चीज़ सही है। फटाफट से इसको खोलते हैं। ये हमने खोल दिया है इसका इंजन, और ये है वॉल्व। जैसे कि आपको पता ही है वॉल्व क्या काम करते हैं, मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बता रखा है वॉल्व के बारे में। वॉल्व से ही टैपिट क्लियरेंस की सेटिंग होती है, इसके ऊपर एक कैमशाफ्ट लगती है, और उसके अकॉर्डिंग उसके जस्ट अपोजिट वहाँ पर आपके रॉकर लगते हैं, और उस रॉकर के अंदर एक एडजस्टमेंट सिस्टम होता है नट का, जिसे हम टैपिट क्लियरेंस बोलते हैं। ये वॉल्व है, ये एकदम ठीक है, बट इसके हम चेंज कर देंगे वॉल्व, क्योंकि ये वॉल्व जब भी इंजन खोलो वॉल्व के अंदर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और यह है क्लच हाउजिंग। क्लच हाउजिंग को साइड से देख रहे हो आप, कट गए हैं इसके अंदर जो निशान पड़ गए हैं वो एकदम देख रहे हो ब्लू, ये जो थ्री डॉट पड़ रहे हैं इसके अंदर, ये हम ग्राइंडर से ग्राइंड करेंगे, और ये ओरिजिनल क्लच हाउजिंग है गाड़ी के साथ का। आज तक कभी क्लच हाउजिंग रिपेयर नहीं हुआ है, और उसके अंदर वैसे कोई खास दिक्कत भी नहीं है, बस इसका ग्राइंड होगा, ग्राइंड हो गया मस्त एकदम काम कर जाएगा, और खास दिक्कत नहीं है इसमें। अब बात करते हैं हम दूसरी चीज़, वो है हमारा पिस्टन। तो भाई पिस्टन के बारे में तो काफ़ी सारे लोगों को पता ही है होता क्या है। ये है इस बाइक का पिस्टन। इस बाइक के पिस्टन को देख के मुझे पता लग ही चुका है कि इसके इंजन के जो स्टार्टिंग है खुलने की, वो पहली बार ही हुई है, और ये इंजन एकदम परफेक्टली फिट होगा, जिसको मैं बढ़िया तरीके से फिट करूँगा, हर चीज़ ओरिजिनल डालूंगा। और इसके अंदर पिस्टन जीरो साइज का निकला है, कंपनी के साथ का पिस्टन है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा सीज वगैरह नहीं मारा है, देखा जाए तो ठीक ही है। बट ये गाड़ी स्मोक भी कर रही थी, धुआं दे रही थी, जैसे कि आपको ऊपर की तरफ देख के पता लगी चुका है। हम इसके वो फटाफट से ऊपर की तरफ को थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं, घिस लेते हैं, और आपको दिखा देता हूँ मैं ये चीज़। ये देखिए, ये है स्टैंडर्ड साइज पिस्टन। अगर पिस्टन स्टैंडर्ड साइज नहीं होता है, उसमें 0, 75 या 100 नंबर लिखा होता है, तो इसका मतलब वो नंबर लिखा होता है, बट इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। यह है इसकी क्लच प्लेटें। क्लच प्लेटें इसमें FCC की डली हुई हैं, FCC जो कि ओरिजिनल कंपनी है एक तरह से, मैं इसको मानता हूँ FCC को, ज़्यादातर मैं भी FCC की ही यूज़ करता हूँ, बट अभी फिलहाल इसमें क्लच प्लेटें ख़राब हो चुकी हैं, हार्ड हो गई हैं इसकी क्लच प्लेटें जो हैं, और इसको भी हम चेंज कर देंगे। इसके इंजन में ऑयल बिल्कुल भी नहीं निकला था, जिसकी वजह से इंजन में बहुत आवाज़ें आ रही थी, और जो आवाज़ आ रही थी वो थी इसकी जो मेरे हाथ में है। अब ये क्या है ये आपको पता ही है, इसका टाइमिंग चेन होता है इसका नाम, और ये छोटा सा रोलर जो मैंने नीचे डाला है, ये है एक टाइमिंग चेन रोलर, छोटा वाला स्मॉल रोलर। अब हम बात करते हैं सेल्फ चेन की। ये सेल्फ चेन जैसे कि देख रहे हो आप, इसमें जंग लग गई है, इसको भी हम चेंज कर देंगे, ज़्यादा महंगी नहीं आती है ये। टाइमिंग चेन की बात करें तो पूरी कंप्लीट किट इस हाथ में जो मेरा रोलर है इसके साथ 360 रुपये की आती है ओरिजिनल हीरो की, उसमें लेबर इंक्लूड नहीं होती, अलग से लेबर होती है। और बात करें छोटे वाले चेन की सेल्फ की, तो वो 150 रुपये के आसपास की आती है। गेयर डॉग की बात करें, जैसे कि अभी आप देखा था वो गेयर डॉग मुश्किल से 100 रुपये के आसपास का आता है, बट वो सही है, गेयर में कोई परेशानी नहीं थी। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ों की। तो भाई देखो, इंजन जब खुलता है तो छोटी मोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सही होती हैं, बट हमें डालनी पड़ जाती हैं, क्योंकि उसको खुलने के बाद इंजन के वो चीज़ ख़राब हो जाती है, जैसे ऑयल सील किट, फुल किट, और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि स्पार्क प्लग और टाइमिंग चेन वगैरह, क्लच प्लेट वगैरह, तो कॉमन सी बात है ख़राब हो जाती हैं, तो हमें चेंज करनी पड़ जाती हैं। वाल्व सील हो गई, इस हेड के अंदर वाल्व गाइड होते हैं, वो वाल्व गाइड चेक कराने हैं मुझे। कभी कभी क्या होता है वाल्व गाइड के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, जिसकी वजह से प्ले का पता नहीं लग पाता है, तो ये खराब वाले के पास जाएगा और चेक करेगा वो, और बताएगा मुझे इसका वाल्व गाइड सही है या ख़राब है। अगर ख़राब निकलता भी है तो मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं इसके अंदर नए डलवा दूंगा वाल्व गाइड, और इसकी हेड की प्रॉपर सफाई होगी, और इसके अंदर एक अच्छी तरीके से क्लीनिंग होने के बाद ये फिट होगा। एक वाल्व सील इसमें नई डलेगी, और वाल्व इसमें ओरिजिनल हीरो के नहीं डलेंगे।
अब बात करते हैं क्रैंक की। भाई इसकी जो क्रैंक है इसमें साइड प्ले बहुत ज़्यादा थी। काफ़ी सारे मैकेनिक भाइयों को पता ही होगा साइड प्ले अगर ज़्यादा रहती है तो हमें क्रैंक का काम करना ही पड़ता है। अगर साइड प्ले बहुत ही कम रहती है तो क्रैंक कहीं ना कहीं ठीक होती है, चल जाती है, बट हमें चीज़ों को चलाना नहीं है, हमें चीज़ों को बढ़िया तरीके से मस्त बनाना है और उसके लिए हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, हमें काम कर देना है और इसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आता। अगर आप एक क्रैंक को बचाने की सोच रहे हो तो आप ये सोच सकते हो कि भाई एक दिन का खाना आपका बच गया है, 300-350 रुपये के आसपास का टोटल जो बजट होता है क्रैंक का होता है अगर आप एक खराब वाली की लेके चलते हो तो। बट अगर बात करें मैन बैरिंग की तो भाई मैन बैरिंग के अंदर जो है खर्चा थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, मतलब वही टोटल खर्चा 850-900 रुपये के आसपास बैठ जाता है कंप्लीट अगर ओरिजिनल इसके अंदर काम कराया जाए तो। ओके देखो ये मैं दिल्ली का बता रहा हूँ, दिल्ली का, आप गाँव से हो तो मुझे आपके यहाँ का रेट नहीं मालूम है बट यहाँ का ऐसा ही होता है सिस्टम। अगर आप ओरिजिनल काम करा रहे हो तो कस्टमर के लिए ये रेट होता है, मैकेनिक के लिए रेट क्या होता है ये एक मैकेनिक अच्छी तरह जानता है। तो भाई अगर मैं किसी का क्रैंक का काम करता हूँ तो मैं उससे क्रैंक भरने के टोटल पैसे 1550-1600 रुपये लेता हूँ, उसमें मेरी लेबर इंक्लूड होती है सिर्फ क्रैंक का काम। अगर पूरे इंजन का काम होता है तो सिर्फ 1000 रुपये उसकी लेबर होती है स्प्लेंडर की, और अगर बड़े इंजन की बात की जाए तो 1500 रुपये इंजन की लेबर होती है, उसमें सर्विस इंक्लूड होती है। ये है हमारे सिलेक्टर, गियर सिलेक्टर। भाई इस कस्टमर ने कहा था मेरे गियर में मुझे कोई परेशानी नहीं है और वाकई में इसने सही कहा था कस्टमर ने, इसकी गियर मैंने चेक की है बिल्कुल ठीक है, गियर सिलेक्टर भी ठीक है, इसके हल्का सा निशाना रखा है बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही है। बट बात की जाए ये पीले कलर की नूटल पत्ती जो आप देख रहे हो इसको चेंज कर देना चाहिए, वैसे ये सही है बट जब भी इंजन खुलो मैं आपसे एक ही एडवाइस देना चाहूँगा, एक राय देना चाहूँगा आपको, एक अच्छे मैकेनिक के तौर पर आप एक न्यूट्रल पत्ती को चेंज कर दो। ये जो आप देख रहे हो इसके अनलॉक, ये कभी कभी क्या होता है जब हम गाड़ी का इंजन खोलते हैं ये कच्चा हो जाता है और धुल धुलाने से टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिससे हमें बाद में परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। ये है हमारी गियरों के कुछ शाफ्ट के जो पीसेस हैं ये हैं और ये एकदम ठीक हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कुछ चीज़ें इसमें नहीं बदली, मतलब 15000 किलोमीटर पर जब हमने इंजन खोला है तो इसके इंजन में ज़्यादा कुछ खराबी नहीं निकली है। अगर कंडीशन की बात की जाए गाड़ी की तो गाड़ी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा रफ हो गई है, वो इसी वजह से टाइम पे सर्विस नहीं कराई कस्टमर ने और टाइम पे कुछ चीज़ें होती हैं वो नहीं चेंज कराई हैं, तो इस चक्कर में गाड़ी की जो है बैंड बच गई है, बट अभी भी बिल्कुल ठीक है। कस्टमर मेरे पास गाड़ी लेके आया तो मैं उसकी बढ़िया करके दूंगा गाड़ी। ये है रॉकर और इसके जो रॉकर के रोलर देख रहे हो आप सामने, अगर रोलर की बात की जाए तो भाई अगर इंजन सीज मार जाए तो ये रोलर घूमना बंद हो जाते हैं, अभी प्रॉपर एकदम घूम रहे हैं, तो इसका मतलब ये रॉकर सही है और इसमें प्ले भी बिल्कुल भी नहीं है, प्ले ज़्यादा होने पर भी रॉकर ख़राब हो जाते हैं। तो भाई दूसरी चीज़ों की बात की जाए तो प्राइमरी गियर दिखाता हूँ मैं आपको। मैं कभी कभी क्या होता है हम गाड़ी को चलाते हैं और एकदम से क्लच छोड़ के जब गाड़ी भगाते हैं सौ 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 आवाज़ आते हैं, सूं सूं ऐसे करके जब क्लच छोड़ के हम गाड़ी भगाते हैं सूं आवाज़ आती है, वो इसी की वजह से आती है। अगर आप चाहो तो अगर आपकी गाड़ी में ऐसी आवाज़ आ रही है तो आप चाहने पर आपके ये चेंज कर सकते हो आप, और ज़्यादा महंगा नहीं आता इसका। कॉस्ट की बात की जाए तो 350 के आसपास का एक आइडिया बता रहा हूँ, हीरो का जेनुइन आता है एक आइडिया, और आप ये डलवा के अपनी आवाज़ में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। इंजन के अंदर अगर बात की जाए, इंजन हर कोई फिट करना जानता है बट एक्चुअली में जो चीज़ फिट करनी चाहिए, जो चीज़ चेंज करनी चाहिए, जो चीज़ की सेटिंग होती है वो बहुत कम लोगों को पता होता है, तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा समझने वाली होती हैं, तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। और ये है हमारा स्क्रीन फिल्टर, ये स्क्रीन फिल्टर जो आप देख रहे हो इसमें जो आप डस्ट देख रहे हो सामने, ये एक पार्ट्स जो होते हैं मोटरसाइकिल के पार्ट्स, उसका जो रॉ मटेरियल होता है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो है इसके अंदर और ये इसमें बिल्कुल आ गए हैं और इसकी हम क्लीनिंग करेंगे और इसको फिट करेंगे, इसको स्क्रीन फिल्टर बोलते हैं। ये है हमारी प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट को हम नया डाल देंगे क्योंकि प्रेशर प्लेट कहीं कहीं से हीट हो रखी है और अगर प्रेशर प्लेट टेढ़ी हो जाती है तो गियरों में दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा, बट अभी इसकी सिर्फ हीट हो गई है, प्रेशर प्लेट टेढ़ी नहीं है। बात करते हैं गियर शाफ्ट की, तो ये गियर शाफ्ट है, ये ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हो ये एकदम परफेक्ट है, अगर यहाँ पर निशान आ जाते हैं कटने के तो ये ख़राब हो जाती है बट अभी बिल्कुल ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दूसरी जगह की बात करी जाए तो इसके दांतों की, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ब्लर हो रखा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये आ गया हमारा क्लियर एकदम, और ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी गाड़ी में ख़राब हो, बट 15000 किलोमीटर पर हमने इंजन खोला है तो 15000 किलोमीटर पर मुझे लगता नहीं है इसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, बट कहीं ना कहीं 15000 किलोमीटर पर बहुत जल्दी इंजन खुल गया, इसका नहीं खुलना चाहिए था इतने टाइम पर, पर वो डिपेंड करता है यार, आप देखो आपके ऊपर, आपकी गाड़ी किस तरीके से चला रहे हो आप मेंटेनेंस कैसे करा रहे हो, प्यार करते हो या नहीं करते हो अपनी गाड़ी से, सबसे बड़ी बात तो ये होती है। ये है हमारा सेल्फ चैन गाइड, तो इसको भी हम नया डाल देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, गड्ढा आ गया। चलाने की बात करो तो चला सकते हो बट हम नया डाल देंगे, ऐसी कोई ज़्यादा खास इसमें खर्चे वाली बात नहीं होती है। इसकी पुश रॉड जो है इसके अंदर एक रबड़ लगी होती है, पुश रॉड रबड़ जिसे कहते हैं, ब्लैक कलर की, निकाल देता हूं मैं, ये आपको नई डालनी पड़ती है। जब भी आप अपनी गाड़ी में टाइमिंग चेन डलवाओ या फिर इंजन का काम करवाओ तो ये रबड़ हमेशा नहीं डलवाओ, रबड़ की कीमत ज़्यादा नहीं होती है बट रबड़ डालने से इंजन के अंदर जो है इंप्रूवमेंट, इंजन के अंदर स्मूथनेस बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है। और इसकी बात की जाए
छोटी छोटी चीज़ों को ही देखते हुए इंजन अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ओके, तो ये हम बात करते हैं क्लच हब और क्लच सेंटर की। इसको हब सेंटर भी बोलते हैं और इसको व्हील क्लच भी बोलते हैं। क्लच सेंटर, व्हील क्लच, दोनों चीज़ों को जान सकते हो, बट मैं ज़्यादातर इसको सेंटर बोलता हूँ। और ये जो देख रहे हो इसके अंदर, ये जो है यहाँ पर एकदम गड्ढेपन का कोई निशान नहीं है, तो ये ठीक है, कुछ चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। इसकी बात करें तो ये भी ठीक है, चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो फिर वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं डालना चाहो तो मत डालो, गाड़ी फिर भी बढ़िया चलेगी, क्योंकि जो चीज़ सही है वो सही है। ओके, तो केम साफ्ट की बात करें तो केम साफ्ट भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केम साफ्ट के बैरिंग भी ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ओके, तो केम साफ्ट के बैरिंग में अगर प्ले होती है तो केम साफ्ट के बैरिंग भी डाल देना चाहिए। और कभी भी कोई से भी गाड़ी में बैरिंग डालो इंजन के अंदर, तो SKF बैरिंग डालो, SKF मैं रिकमेंड करूँगा। SKF बैरिंग इतने ज़्यादा बेस्ट होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और जब भी इंजन खोलो तो ये 3 बोल्ट खोल के ऑयल पंप को हमेशा साफ़ करो और उसकी पैकिंग को चेंज करो, क्योंकि पैकिंग उसकी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में जो ऑयल पंप है, आप अगर ऐसा करते हो तो एकदम बढ़िया तरीके से क्लीनिंग हो जाएगी और आपके मन में जो डाउट होते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। देखो, ये हीरो कंपनी का नहीं दे रखा है कंपनी ने ऑयल पंप, ये है ऑयल पंप प्रीकॉल कंपनी का। हीरो कंपनी बहुत कम ऐसे पार्ट्स जो बनाती है, ज़्यादातर कंपनी हायर ही करती है चीज़ों को। तो ये जो बैरिंग है, ये बैरिंग मैं चेक करूँगा, अगर मुझे लगेगा ख़राब है तो मैं नहीं डाल दूँगा। तो भाई चीज़ों को देखते हुए अगर बात की जाए चैम्बर बैरिंग की, तो भाई चैम्बर बैरिंग में हल्की सी भी ज़्यादा प्ले आपको लगती है तो आप नए डाल दें, मेरी राय यही होगी। और अगर दूसरी चीज़ की बात करें वन वे की सेल्फ रोलर किट की, ये भी नहीं डाल दें। तो भाई इंजन खोलने का जो मकसद था वो यही था, इसके इंजन को प्रॉपरली चेक करना था, कस्टमर का कहना ये था, क्योंकि वो उसको गाड़ी से कुछ ज़्यादा ही आ गया था प्यार। तो भाई ऐसे दिनों में जब प्यार आ जाए तो हमें भी अपनी गाड़ी में प्यार दिखाना पड़ता है, क्योंकि हम भी गाड़ी से बहुत प्यार करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, फटाफट से इसको तरीके से चेक करके और क्लीनिंग कर देनी है। और क्लीनिंग करने के बाद जो पार्ट्स ख़राब हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो सारे पार्ट्स चेंज कर देने हैं। जैसे कि मेन इंपॉर्टेंट बात की जाए तो वो है हमारा क्रैंक और पिस्टन। अब हम डिस्कवर गाड़ी जो पहले वाले पार्ट में मैंने दिखाई थी उसका साउंड आपको सुनाएंगे, ठीक है। तो मैं चलता हूँ आपको पहले, ये हमारी स्प्लेंडर जिसका इंजन हमने खोल दिया है। अब हम बात करते हैं, ये देखिए सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कितना किलोमीटर चली है गाड़ी। 15,000 किलोमीटर चली है गाड़ी और जेन्युइन चली हुई है, ये गाड़ी जेन्युइन चली हुई है। चलो हम चलते हैं अब डिस्कवर के पास। डिस्कवर जिसकी वो आपने देखा था पहली वाली वीडियो में, इससे पहले की जो वीडियो थी, अगर आपको नहीं पता तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से देख लेना। 96,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी है। अब मैं इसका इंजन का साउंड सुनाऊंगा। जैसे कि आपको पता था इसका चैम्बर टूटा हुआ निकला था, उसके बहुत बुरी हालत इसकी निकली थी। इसके इंजन में मैंने सिलेंडर किट डाली है और इसका टोटल जो खर्चा आया वो आया 7500, 7500 रुपये खर्चा आया इसका, विद लेबर सर्विस इंक्लूड करके आया है। उसमें सारा कुछ मिला मिलू के सब कुछ मिला के 7500 खर्चा आया। और उसमें मेरी गारंटी भी है 1 साल की, मेरी जो जिम्मेदारी होती है गाड़ी की, पर गारंटी अगर बात की जाए तो 12,000 किलोमीटर मैं गारंटी देता हूँ सिर्फ पिस्टन और क्रैंक की, वो भी जब जब मेरे पास गाड़ी टाइम टू टाइम सर्विस हो। अगर मेरे पास टाइम टू टाइम सर्विस नहीं होगी गाड़ी तो मैं गारंटी नहीं लेता, मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ। गाड़ी मेरे पास टाइम पर सर्विस आ रही है तो मैं पूरी की पूरी जी जान लगा देता हूँ गाड़ी को ठीक करने में, अपने जिम्मेदारी के तौर पर। फटाफट से इसका साउंड सुनते हैं, स्टार्ट करते हैं गाड़ी को और साउंड सुना के आप बताना कैसा साउंड है। मेरी तरफ से एकदम ओके गाड़ी का साउंड है। आपने सुनी लिया है, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है इसका साउंड। कस्टमर की बहुत ज़्यादा खुशी हो गई इसको साउंड को सुनते, क्योंकि गाड़ी की बैंड बजी हुई थी पहले, आपने मेरी वीडियो में देखा ही था कैसी हालत हो रखी थी इसकी। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी ही मस्त मस्त ऑसम वीडियो और जानकारी के साथ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। फटाफट से नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करो।